हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आईवी इन्फ्यूजन्स को। आईवी इन्फ्यूजन्स को हम लोग देखने वाले हैं जो कि सिर्फ इमरजेंसी या आईसीयू में ही यूज़ किया जाता है। और कॉमनली यूज्ड आईवी इन्फ्यूजन जो है वो पहले ही कवर कर लिया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। बट ये जो आईवी इन्फ्यूजन्स है ये जनरली इमरजेंसी और आईसीयू में ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा आईवीआईजी। अब आईवीआईजी क्या होता है, इसका नाम तो सुने ही होंगे बट ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आईवीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन। आईवीआईजी हो गया इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 100 ml का बोतल आता है और जो कि 5 mg पर बोतल, एक बोतल में 5 mg रहता है। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या करना होता है, ये किस चीज़ का बना होता है। तो ये ब्लड प्रोडक्ट का ही बना होता है और जो कि लगभग 1000 से 15000 डोनर के बेस के सीरम से मिलके बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा महंगा दवाई है और बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है और कुछ ही डिजीजेस में। तो देखिए ये किस चीज़ में यूज़ होता है, जिस पेशेंट में एंटीबॉडी का डिफिशियंसी हो तो उस पेशेंट में इसको यूज़ करेंगे। और देख लेते हैं और कौन कौन सी बीमारी में इसको यूज़ करेंगे। तो ये है आपका आईटीपी। आईटीपी जो डिजीज़ है, देखिएगा बच्चा में जनरली आईसीयू में एडमिट रहता है, आईटीपी डिजीज़ ह्यूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। आईटीपी का जो पेशेंट रहेगा, बच्चा रहेगा, उसमें गुलियन-बार सिंड्रोम वाले, मिस्थीनिया ग्रेविस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, एसएलई डिजीज, क्वास्की सिंड्रोम और मल्टीपल एस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट्स में इसको यूज किया जाता है। और ये जो है एक रिप्लेसमेंट डोज का काम करता है, जिसको 200 से 400 एमजी पर बॉडी वेट के हिसाब से पर 3 वीकली दिया जाता है। तो आईवीआईजी हो गया कवर, 100 एमएल का बोतल, 5 एमजी पर बोतल में, और ब्लड के प्रोडक्ट से ही बनता है। और इसको मेनली आईटीपी और एसएलई बीमारियों में यूज़ करते हैं। इसका डोज है 200 से 400 एमजी पर केजी बॉडी वेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एस्टामिन। एस्टामिन यूज़ होता है, तो एस्टामिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एस्टामिन क्या है और कैसे किस किस में यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये क्या कंटेंट करता है, हमारा जो भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है और जो नॉन एमिनो एसिड्स है उसके साथ एक कंपोनेंट है ज़ाइलिटोल, इसको भी ये कंटेंट करता है एस्टामिन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एस्टामिन इन्फ्यूज़न को इस चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए, जो कि यूज़ होता है स्ट्रेस में, इंजरी में, ट्रोमा या फिनाइल कीटोनूरिया, ये इन सारे कंडीशंस में एस्टामिन को यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, चूँकि एमिनो एसिड है तो एमिनो एसिड प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या कर देता है, हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है और न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाता है, और साथ में क्या करता है, बॉडी रेसिस्टेंस को बिल्डअप करता है। ये हो गया एस्टामिन का काम। और इसको और कौन कौन से डिजीज में यूज़ करेंगे, तो ये सीवियर माल न्यूट्रिशन हो गया, मैलिग्नेंट डिजीजेस हो गए, सर्जरी और प्री और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, बर्न में और एक्सीडेंटल ट्रोमा में इसको यूज़ करते हैं। इसका ड्रिप रेट जो सेट होता है वो शुरू में 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट और उसके बाद 30 टू 40 ड्रॉप पर मिनट तक भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन बोतल जो रहता है, इसका 200 ml का रहता है,
एस्टामिन हो गया एमिनो एसिड का कंपोजिशन, इसको हम लोग यूज करेंगे करेंगे माल न्यूट्रिशन में और सर्जरीज में और बांस और ट्रोमा वगैरह में। और इसका बोतल 200 ml है, ड्रिप रेट हो गया 15 से 20 इनिशियली और बाद में 30 to 40 ड्रॉप्स महीनों। और एडल्ट्स में डोजेज है इसका 200 से 800 ml IV पर डे। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला है हमारा हेमेक्सिल। हेमेक्सिल केसेस में यूज करते हैं। तो देखिए हेमेक्सिल क्या है, हेमेक्सिल जो है एक टाइप का इंट्रावेनस कोलाइड है। तो क्या यूज केसेस को रोकता है, ये शॉक ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हेमेक्सिल जो है वो शॉक के ट्रीटमेंट में और यूज होता है, जो कि किस चीज़ से पैदा होता है, जो कि हेमरेज के दौरान जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसके रिडक्शन के कारण शॉक होता है। तो उसके ट्रीटमेंट हम लोग हेमेक्सिल यूज करते हैं। और फिर अगर लॉस ऑफ प्लाज्मा हो रहा है, जैसे कि बांस हो गया, पेरिटोनाइटिस हो गया, तो इन सब डिजीज में लॉस ऑफ प्लाज्मा हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग हेमेक्सिल यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अपना पेनक्रियाटाइटिस और क्रश इंजरीज, इसमें भी हेमेक्सिल यूज होता है। और कुछ कंडीशंस में लॉस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर होता है, वोमिटिंग और डायरिया में, तो उस कंडीशन में भी हम लोग हेमेक्सिल को यूज करते हैं। और कहाँ पे क्या करना है, ये रेपिडली भी हम लोग इन्फ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर लॉस जो है वो ब्लड वॉल्यूम का 25% हो जाता है, तो 25% तक अगर लॉस होता है तो उसको हेमेक्सिल, सिर्फ हेमेक्सिल ही रिप्लेस कर सकता है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है जो कि रिप्लेस कर पाएगा। और ये अगर हाइपोवोल्मिक शॉक है तो 500 to 1000 ml हेमेक्सिल हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसको सिर्फ हम लोग क्या इंट्रावेनसली ही इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो हेमेक्सिल हो गया अपना 500 ml का बोतल आता है, जो कि यूज होता है इंट्रावेनसली, और ये कवर कर लेता है हमारा फिर 25% ब्लड वॉल्यूम जो लॉस होगा उसको कवर कर सकता है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे बांस हो, हेमरेज हो, या फिर क्रश इंजरीज वगैरह हैं, तो उन कंडीशन में हेमेक्सिल को यूज़ करेंगे। अब अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन का भी बोतल आता है जो कि कभी कभार ही यूज होता है, वो देख लेते हैं डेक्स्ट्रन क्या है। तो डेक्स्ट्रन है जो कि ये भी एक टाइप का प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर ही है हेमेक्सिल की तरह, और एंटीकोगुलेंट भी है। तो आगे इसके बारे में देखते हैं कि इसको भी हम लोग क्या इंट्रावेनसली ही इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, और इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। ब्लड मास के रेस्टोरेशन में ही यूज़ करते हैं, और किस चीज़ में, सर्जिकल इंटरवेंशंस में, और अगर हाइपरवोलीमिया ट्रोमा के थ्रू हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसमें हम लोग डेक्स्ट्रन यूज करेंगे। नेक्स्ट और क्या है, ये जो है ये हेमरेज में ब्लड लॉस अगर 15% तक है, तो ये 15% तक के ब्लड लॉस को ये कवर कर सकता है। और ये भी 500 ml और 1000 ml की बोतल दोनों में आता है। तो डेक्स्ट्रिन हो गया अपना 500 या 100 ml का बोतल, जो कि 15% जो है ब्लड मास को कवर कर सकता है। और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाइपरवोलीमिया में, और जो कि ट्रोमा और डिहाइड्रेशन से होता है, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के दौरान जो ब्लड मास का लॉस होता है उसमें, और उसको भी हम लोग इंटरवेंशनली यूज़ करते हैं। एक टाइप का प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है और एंटीकोगुलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन है हेपेटिक ड्रिप। हेपेटिक ड्रिप के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये जनरली आईसीयूज में किया जाता है। तो हेपेटिक ड्रिप जो है एक देखिए किसमें यूज होता है, हाइपोग्लिसीमिया जो है वो जो बच्चे में है और बहुत ज़्यादा होता है, खास करके हेपेटिक इंसेफलोपैथी वाले पेशेंट,
हेपेटिक इंसेफलोपैथी वाले पेशेंट्स में हाइपोग्लिसिमिया ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो उसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोजेनेसिस जो है वो डिमिनिश हो जाता है, तो वहाँ पे हाइपोग्लिसिमिया होने का चांस रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 10% डेक्सट्रोज स्टार्ट करते हैं, इसमें 0.25 नॉर्मल स्लाइन में ये रिकमेंड किया जाता है, और इसी को हम लोग हेपेटिक ड्रिप भी कहते हैं। तो 10% डी में 0.25 NS जो है वो मिलाया जाता है, तो वो हो गया हमारा हेपेटिक ड्रिप। और इनिशियल डोज जो है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 100 mg/ml ऑफ ग्लूकोज। तो 10% डेक्सट्रोज का जो है 100 mg/ml होना चाहिए इसका डोज, और अगर इन्फ्यूज़न जो है वो टाइट्रेट करना चाहिए ब्लड ग्लूकोज के बीच में कितना, 120 to 240 mg/dl। तो हो गया, ये यूज़ करते हैं हम लोग हेपेटिक इंसेफलोपैथी में किस लिए, हाइपोग्लिसीमिया के लिए, और इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग, 10% डी में 0.25 NS सॉल्यूशन में मिला के। और जनरल अगर एक तरह से देखा गया तो 4:1 में हम लोग यूज़ करते हैं, अगर 400 ml अगर ये है 10% डी है तो 100 ml NS में इसको मिला के हम लोग यूज़ करते हैं। और कभी कभी इसमें पोटेशियम कोटा सोड और फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट भी मिला के चलाते हैं हेपेटिक ड्रिप में। तो ये हो गया हेपेटिक ड्रिप क्लियर। नेक्स्ट लोग देखते हैं एल्बुमिन। अब एल्बुमिन तो पता ही होगा, एल्बुमिन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन है जो कि इंट्रावेस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और फिर क्या करता है, बिलिरुबिन और कैल्शियम जो है और बहुत सारे ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है अपना एल्बुमिन। और इसको हम लोग ये आता है, इसको ह्यूमन एल्बुमिन भी बोला जाता है, ये 5% और 25% अगर आ रहा है तो इसको हम अनडाइल्यूटेड दे सकते हैं, जनरली अनडाइल्यूटेड ही चलता है, वो बोतल आता है आपका एल्बुमिन का। और 25% को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 0.9% जो सोडियम क्लोराइड है और या फिर 5% डेक्सट्रो इंजेक्शन में भी डाइल्यूट कर सकते हैं। तो 5% 25% को अनडाइल्यूटेड भी दे सकते हैं, और कभी कभी 25% सॉल्यूशन को क्या करते हैं एनएस में या फिर 5% डी में मिला के भी चलाते हैं, और इसका 20% बनाते हैं 200 ml/L एल्बुमिन सॉल्यूशन। तो और इसको किस चीज के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, इसको नेफ्रोसिस और हाइपोप्रोटीमिया में यूज़ किया जाता है। और इसको ये किस चीज को रिप्लेस करने में भी यूज़ किया जाता है, तो ये प्रोटीन रिप्लेस करता है, चूँकि एक टाइप का एक प्रोटीन ही है और जिसमें हाइपोप्रोटीमिया है तो उसमें यूज़ किया जाएगा। और तो एल्बुमिन हो गया, 5% 25% इसको अनडाइल्यूटेड दे देंगे, और अगर 25% है तो इसको डाइल्यूट करके भी 5% NS या 5% डी में मिला के भी चला सकते हैं। इसको नेफ्रोसिस और हाइपोप्रोटीमिया में यूज़ किया जाता है, और इसको यूज़ करते हैं हम लोग पेशेंट में हाइपोप्रोटीमिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट वन है एम्बिसोम। एम्बिसोम तो देखे ही होंगे, अभी कालाजार के लिए जनरली यूज किया जा रहा है। तो इसमें इससे पहले आ रहा था अपना एम्फोटेरिसिन भी आ रहा था, तो ये भी एक उसी का है, इम्प्रोवाइज वर्जन है, इम्प्रोवाइज किया गया है। तो उसका कंपोजिशन भी एम्फोटेरिसिन भी है और लिपोसोमल है जो कि इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे, और ये इंजेक्शन जो है स्टेराइल है, नॉन पैराजेनिक प्रोडक्ट जो कि इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के लिए हम यूज़ करेंगे।
इसको इन्फ्यूजन के थ्रू हम यूज़ करते हैं। और ईच फाइल जो है, एक फाइल में कितना रहता है हमारा, 50 mg एम्फोटेरिसिन बी रहता है, एक फाइल में 50 mg एम्फोटेरिसिन बी। और ये एम्फोटेरिसिन बी जो है वो मैक्रोसाइक्लिक टोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइस नोडस से प्रोड्यूस किया जाता है। और इसको यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो होगा वो HIV पेशेंट्स में, या फिर विसरल लेस्मानियासिस हो गया निकाला जाए, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, और फिर न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में, इससे कंडीशन में हम लोग एम्बिसोम यूज़ करते हैं। तो एम्बिसोम को जो है वो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। और इसमें हम लोग को थोड़ा सा इन्फ्यूजन डिवाइस को कंट्रोल वे में यूज़ किया जाता है, और कम से कम 120 मिनट्स तक इसको ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। और ये किसके साथ एडमिनिस्टर किया जाता है, ये 5% डी सॉल्यूशन के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है। तो एम्बिसोम हो गया, एम्फोटेरिसिन बी जो इच वायर में रहता है 50 mg, और उसको यूज़ करते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस में, कालाजार में, फंगल इन्फेक्शन वगैरह में। और इसको हम लोग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। और इसको किसके किस में डाल के चलाते हैं, तो ये डाल के चलाते हैं हमारा 5% डी सॉल्यूशन में आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है आयरन सुक्रोज। अब आयरन सुक्रोज का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ पर पूरा डिटेल आयरन सुक्रोज आईवी इन्फ्यूजन के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहे हैं, देखिए आयरन सुक्रोज जो है वो 5 ml का आता है जनरली इंजेक्शन, और 1 ml में रहता है 20 mg, तो 5 ml में हो गया 100 mg। और इसको किस में डाल के चलाते हैं, इसको NS में डाल के, जो कि 100 ml का रहता है, उसमें डाल के चलाते हैं 5 ml 100 ml NS में डाल के चलाते हैं। और ये किसकी, इसको डायरेक्टली भी IV इन्फ्यूज़न यूज़ किया जाता है, तो इसको बहुत सारे कंडीशन में डायरेक्टली भी IV इंजेक्शन के थ्रू भी दे जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है वो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। और बाकी क्या है, अगर इसको यूज़ करते हैं हम लोग इसमें आयरन रिप्लेसमेंट में और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। नेक्स्ट है इसका डोज है 1 to 2 mg पर ml। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से शॉर्ट में कि 5 ml का आता है, 100 mg रहता है, इसको NS के साथ चलाते हैं, इसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं। और ये यूज़ होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन रिप्लेसमेंट के लिए, और डोज है 1 to 2 mg पर ml। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ABS का भी एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ भी पूरा अच्छे से देख लीजिए। यहाँ भी शॉर्ट में देखते हैं ABS में क्या होता है। ABS हो गया अपना एंटी वीनम सीरम, वो इसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं, एक सीरम है, इम्यूनोग्लोबिन है, जो कि एनिमल्स के थ्रू ही बनाया जाता है, जैसे कि हो गया हॉर्सेस या फिर शीप से, जिसको ऑलरेडी हम लोग स्नेक वीनम से इम्यूनाइज किए रहते हैं, उसी से ABS बनाया जाता है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ स्नेक बाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें है क्लिनिकल डिसीजन लेना, कि ये ABS दें नहीं दें, क्योंकि कुछ माइनॉरिटी ऑफ स्नेक बीटन में ही ये जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो पहले तो स्नेक बाइट वाला आता है, उसको ऑब्जर्वेशन रखना होता है, सिम्टम आ रहा है तभी ABS यूज़ करने का रहता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका डोज जो है वो हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं। हम लोग 5 ml का जो NS आता है उसी में हम लोग ABS को डाल के चलाते हैं, और इसको इसका जो इन्फ्यूज़न रेट है वो 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट, एक 15 से 20 ड्रॉप, और कंटिन्यूस IV इन्फ्यूज़न जो होगा वो 50 से 100 ml पर बाइट होगा, जो डोजेस होगा वो होगा
50 टू 100 ml पर बल्क। बोलस भी दिया जाता है, बोलस हो गया डायरेक्टली स्टार्टिंग में। कुछ वायल्स भी दिया जाता है, वो पूरा डोज कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो ये जो ये डिवाइस पे डिपेंड करेगा, वेट के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एवीएस हो गया अपना इम्यूनोग्लोबिन, जो कि एनिमल के जो इम्यूनाइज्ड रहता है उसी से तैयार किया जाता है। और इसको सिर्फ स्नेक बाइट में यूज़ करते हैं और इसको चलाते हैं हम लोग 500 ml NS में। इन्फ्यूजन रेट 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट रहता है। और इसको हम लोग बोलस में भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट वन है 5% NS। 5% NS भी कभी कभार देखे होंगे यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं 5% NS के बारे में। तो ये 5% सोडियम क्लोराइड जो है वो स्टराइल है, नॉन पायरोजेनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सिंगल डोज में ही ये सिंगल डोज कंटेनर में आता है एक बोतल, और इसको इंट्रावेनसली हम लोग यूज़ करते हैं। और पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ये कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं कंटेन करता है। और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ऊपर ही हम लोग देख लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और इसको ये एक सोर्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एज ए सोर्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। और डोजेज जो है वो एज, वेट और क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड कर जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं ये क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। और ये सिंगल डोज में आता है, 100 ml का जनरली बोतल रहता है। और इसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू यूज़ करते हैं। और इसका जो डोज है वो एज और वेट पर डिपेंड कर जाएगा। नेक्स्ट वन है N/2 DNS। N/2 DNS क्या होता है, वो तो कैसे बनाते हैं? तो ये जो है नॉर्मल सॉल्यूशन है 5% D में, जो NS है उसको हम लोग 5% D में मिला के बनाते हैं। या फिर इसको 2/3 वॉल्यूम जो रहता है N/5 NS का, उसको 5% D में डाल के बनाते हैं। और ये जो है वो हाइपोनेट्रीमिया को रिड्यूस करता है, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया जो है वो हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन है जो कि 24 घंटा से ज़्यादा या फिर 24 घंटा तक अगर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न उसको चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। और इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग N/2 DNS यूज़ करते हैं। और इसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? शॉक हो गया, डायरिया हो, डिहाइड्रेशन हो, फ्लूइड ओवरलोड हो, एबनॉर्मल सीरम सोडियम हो, या फिर हाइपर ग्लाइसीमिया हो, तो इन सब कंडीशन में यूज़ करेंगे। ये हो गया N/2 DNS, जो नॉर्मल सलान का उसको 5% DNS में मिला, 5% D में मिला के बनाते हैं उसको। या फिर 2/3 वॉल्यूम ऑफ N/5 इन 5% D, ये हो गया N/2 GNS। और ये क्या रोकता है? हाइपोनेट्रीमिया। और ये किसको दिया जा सकता है? जो कि 24 घंटे से ज़्यादा तक जिसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चल रहा होगा, और सॉफ्ट डायरिया, डिहाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोड और एबनॉर्मल सीरम सोडियम लेवल या हाइपरग्लाइसीमिया होने वाले बच्चे को भी ये लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लूड्स को देखे हैं जो कि कभी कभार हॉस्पिटल में यूज़ होता है, जनरली ICU और इमरजेंसीज में ही। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।